सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फेज सीक्वेंस रिले किस तरह काम करता है एवं इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। वैसे फेज सीक्वेंस रिले का यूज क्यों किया जाता है पहले हम यह समझ लेते हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम प्रैक्टिकली इसमें ड्रॉइंग में भी समझेंगे और फील्ड में भी इस मोटर को रन करके देखने वाले हैं फेज सीक्वेंस रिले का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। तो पहले हमें यह समझ लेते हैं फेज सीक्वेंस रिले का हम यूज क्यों करते हैं। तो फेज सीक्वेंस रिले का यूज देखा जाए तो जनरली हम कहीं कहीं भी फेज सीक्वेंस क्यों चेंज करते हैं, किसी भी मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो ऐसी कोई भी जगह जहां पे हम चाहते हैं मोटर को रिवर्स में नहीं घुमाया जा सके वहां पे हम फेज सीक्वेंस रिले का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा बिग कंप्रेसर हो गए, चीलर हो गया और बड़ी बड़ी कई मोटरें होती है जिन्हें हम चाहते हैं हमारी मोटर कभी भी रिवर्स में नहीं घूमे। यदि वो रिवर्स में घूमती है तो काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कहीं भी जगह जहां पर हम चाहते हैं कि मोटर रिवर्स में कभी रन नहीं हो वहां पे हम इस फेज सीक्वेंस रिले का यूज करते हैं। फेज सीक्वेंस रिले क्या काम करता है, यदि कहीं पर भी एक फेज का सीक्वेंस चेंज होता है, दैट मींस आर वाई भी जिस तरह जा रहे हैं, यदि कहीं पर भी फेज सीक्वेंस चेंज होगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। हम प्रैक्टिकली भी कनेक्शन करके समझने वाले हैं। सपोज हमने अभी आर वाई भी यहां दिया, आर वाई भी यहां दिया और आर वाई भी यहां दिया, दैट मींस फेज सीक्वेंस सेम है तो हमारी मोटर रन करेगी। यदि हमने आर वाई भी यहां दिया और यहां पे हमने फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो यही फेज सीक्वेंस रिले का यूज होता है। दैट मीन जहां पे भी हम चाहते हैं हमारी मोटर की डायरेक्शन कभी चेंज ना हो और वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रन करे वहां पे हम फेज सीक्वेंस रिले का यूज करते हैं। अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। कनेक्शन हम एक डीओएल स्टार्टर बना के समझ रहे हैं। आप स्टार्टर स्टार्टर या कोई भी ड्राइव हो ड्राइव से भी समझ सकते हैं, हम डीओएल स्टार्टर बना के समझ रहे ताकि आसानी से समझ में आए। हमने जस्ट अभी डीओएल स्टार्टर ही बनाया है, कुछ नहीं किया। हम कनेक्शन इसमें समझ लेते हैं इसका कनेक्शन किस तरह किया गया है। ये हमारे पास मिनी लैग का एक फेज सीक्वेंस रिले है और ये एक और हमारे पास फेज सीक्वेंस रिले है। दोनों का कनेक्शन सेम है बट मॉडल अलग है। कनेक्शन देख लेते हैं हम। तो कनेक्शन क्या करना है, एक में रेड फेज देना है, तीन में हमें बी फेज देना है और पांच में वाई फेज देना है। दैट मीन्स यहां पे हमें आर फेज देना है, यहां पे हमें बी फेज देना है तीन में और पांच में हमें आप देख सकते हैं वाई फेज देना है। दैट मीन्स हमने आर वाई भी फेज दे दिया है। अब ये फेज दिया कहां से है यह समझ लेते हैं। तो इसको हमने जो फेज दिया है वह दिया है कॉन्टेक्टर के इनपुट से। आप देख सकते हैं आर फेज हमने इसमें यहां पे दे दिया, वाई फेज यहां पे दे दिया और बी फेज यहां पे दे दिया। हमने कॉन्टेक्टर के इनपुट से दिया है। आप चाहो तो आरसीबी के आउटपुट से भी दे सकते हो, कॉन्टेक्टर के आउटपुट से भी दे सकते हो, बट हमने यहाँ पे यदि कॉन्टेक्टर के इनपुट से दोगे तो सही रहेगा। अभी हमने यहां से क्या दिया है, आर वाई भी यहाँ पे दे दिया है। अभी यहां से कोई भी फेज सीक्वेंस चेंज हो, चाहे यहां से कोई फेज सीक्वेंस चेंज हो, चाहे मोटर के टर्मिनल से कोई फेज सीक्वेंस चेंज हो, सभी कंडीशन में हमारी मोटर ट्रिप होगी, दैट मीन स्टार्ट नहीं होगी यदि फेज सीक्वेंस चेंज होता है। तो हमें यह तो समझ में आ गया, हमने आर वाई भी जस्ट यहाँ से दिया कॉन्टेक्टर के इनपुट से। इसमें कंट्रोल वायरिंग किस तरह की है, कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। पावर वायरिंग जस्ट सिंपल थी। अब कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने ड्यूल स्टार्टर जिस तरह बनाता है, ड्यूल स्टार्टर तो सिंपल है, हम ड्यूल स्टार्टर नहीं बताएंगे, जस्ट इसमें कंट्रोल वायरिंग समझाएंगे। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए इसमें क्या है, 10, 11 और 12 तीन टर्मिनल दिए गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 10 नंबर है वह एनो पॉइंट है, जो 11 नंबर है वह कॉमन पॉइंट है और 12 नंबर एनसी पॉइंट है। दैट मीन्स 11 की सप्लाई जब हमारे फेज सीक्वेंस रिले में सप्लाई जाएगी तो 11 की सप्लाई 10 से निकलेगी। दैट मीन्स 10 इसके साथ एनो पॉइंट है। आप देख सकते हैं 10 इसके साथ एनो पॉइंट है। अब हम इसका कंट्रोल कनेक्शन समझ लेते हैं। अभी हमें यह तो समझ में आ गया 10 को एनो पॉइंट है और 11 कॉमन पॉइंट है। तो हमने क्या किया, ड्यूल स्टार्टर बनाया। ड्यूल स्टार्टर में हमने क्या किया है, हम नॉर्मली ड्यूल स्टार्टर में क्या करते हैं, हमारी जो कंट्रोल वायरिंग होती है उसमें हम फेज को डायरेक्ट देते हैं ओवरलोड रिले के एनसी में। जस्ट इतना तो हमें पता ही है, हम कभी भी फेज को ओवरलोड रिले के एनसी में देते हैं। बट इसमें हमने क्या किया है, इसका एनो यूज किया है। इसका एनो से क्या होगा, हमने यहां से एक फेज लिया आर फेज और आर फेज को हमने फेज सीक्वेंस रिले के कॉमन में दे दिया है। जस्ट अभी कॉमन में दिया है, अब जैसे फेज सीक्वेंस रिले में सप्लाई जाएगी तो इसके एनो से सप्लाई निकलेगी। तो इसके एनो से जो सप्लाई निकलेगी वो हमने यहाँ पे फेज ये अपने ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में दिया है। दैट मीन्स जैसे ही इसमें सप्लाई जाएगी, दैट मीन्स हमारा फेज सीक्वेंस रिले में सप्लाई जाएगी तो ही हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा।
यदि फेस सीक्वेंस रिले में कोई भी फेस चेंज हो गया या एक फेस फेल हो गया तो उस कंडीशन में यह ऑपरेट नहीं होगा, यह ऑपरेट नहीं होगा तो यहां से सप्लाई कट जाएगी। यहां से जैसे ही सप्लाई कटेगी आगे हमारा स्टार्टर कभी भी ऑन नहीं होगा। तो इस तरह इसकी जेनरेटर वर्किंग होती है। और कनेक्शन हमने देखा है, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें 1 3 5 में आप देख सकते हैं 1 3 5 में हमें RY भी देना है और 10 11 इसका NO है, तो NO यूज करना है। इसमें भी वही कनेक्शन है। अब हम इसे प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं किस तरह रन हो रहा है, और हम इसका फेस सीक्वेंस भी चेंज करेंगे। फेस सीक्वेंस चेंज करने पर देखेंगे क्या हो रहा है, एवं हम यदि एक फेस फेल होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा वह भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या किस तरह रन कर रहा है। हमने मोटर के टर्मिनल में भी कनेक्शन कर दिया है और इनपुट सप्लाई अभी दे दिए है। अब हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं किस तरह यह ऑपरेट हो रहा है। अभी हमारा फेस सीक्वेंस एकदम सही है, दैट मीन्स कहीं पे भी कोई फेस सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसे ऑन कर लेते हैं एमसीबी को और देखेंगे किस तरह यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर की जो लाइट है यदि एक ही लाइट जलती है तो हमारा फेस सीक्वेंस एकदम सही है। अभी हम देख सकते हैं इसे जैसे ही हम ऑन करेंगे अभी हमारी सिर्फ ऑन की लाइट जल रही है, दैट मीन्स हमारा फेस सीक्वेंस एकदम सही है, कहीं से भी कोई फेस सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है। इस कंडीशन में हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर भी ऑपरेट होगा। देखिए अभी हम स्टेप प्रेस करते हैं तो देख पुश करते ही हमारा स्टार्टर अभी ऑपरेट हुआ और मोटर भी रन करने लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ भी अब कोई भी हमने फेस सीक्वेंस चेंज नहीं किया, इस कंडीशन में हमारा जो स्टार्टर है वह ऑपरेट हो रहा है और मोटर रन कर रही है। अब हम एक फेस सीक्वेंस को चेंज कर लेंगे, दैट मीन्स वाई और बी वाले एक फेस सीक्वेंस को चेंज करने के बाद देखिए किस तरह ये काम कर रहा है। ये वाई और बी जो फेज है इसे आपस में चेंज कर लेते हैं। यदि हम फेस सीक्वेंस चेंज कर दे, यदि हम फेस सीक्वेंस नॉर्मली चेंज कब कर दे, मोटर को उल्टी घुमाना होती है। अभी हमारी मोटर का फेस सीक्वेंस हमने चेंज कर लिया है। इस कंडीशन में हम यदि एमसीबी को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी भी हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, दैट मीन स्ट्रिप वाला इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो गया है। इस कंडीशन में हम यदि स्टार्ट करते हैं मोटर को तो स्टार्ट नहीं होगी, दैट मीन्स ये हम इसलिए लगाते हैं कि अभी भी हमारी मोटर रिवर्स में नहीं घूमे, इसलिए कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि फेस सीक्वेंस यदि चेंज होगा तो हमारा स्टार्टर कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। अब हमने एक फेस को ओपन कर दिया, देखिए हमने वाई फेस को ओपन कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारी मोटर स्टार्ट हो रही है या नहीं, तो इस कंडीशन में भी हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, दैट मीन्स फेस फेलियर होने पर दैट मीन्स एक फेस नहीं आएगा तो भी हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो ये तरह से देखा जाए तो फेस सीक्वेंस और फेस फेलियर दोनों का काम कर रहा है। तो इस तरह हमने समझा किस तरह फेस सीक्वेंस और फेस फेलियर रिले का कनेक्शन किया जाता है। इसका यूज जनरली वहां पे होता है जहां पे हमें मोटर को कभी भी रिवर्स में नहीं घुमाना होती है, जनरली बिग कंप्रेसर, चिलर या बड़ी बड़ी मोटरों में इसका यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो और टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है उसे कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।